तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज का पहला न्यूज है अरमान सारुकियान को लेके। UFC 300 में अरमान सारुकियान ने हराया था चार्ल्स ओलिवेरा को, और चार्ल्स ओलिवेरा को हराने के बाद वो जब अपना रेस्ट रूम में गया था, तब UFC वाले अरमान सारुकियान के पास आया था और आके अरमान सारुकियान को ऑफर दिया था कि तुम फाइट करो इस्लाम अकाचेव का साथ जून फर्स्ट को तुम इस्लाम अकाचेव का साथ फाइट करो बेल्ट के लिए। तब अरमान सारुकियान ने जवाब देते हुए कहा है कि नहीं, मुझे अभी उसके लिए सोचना होगा, किसलिए कि बस 7 हफ्ते बाकी है और 7 हफ्तों में मैं टाइटल शॉट के लिए इतना जल्दी मैं प्रिपेयर नहीं कर सकता है खुद को। अभी मैं जस्ट अपना एक फाइट खत्म किया है तो मुझे रेस्ट चाहिए, और उसके बाद मुझे अपना टीम से भी बात करना होगा इसके रिगार्डिंग, तो उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगा। इस फाइट के लिए मुझे पूरा ट्रेनिंग कैंप चाहिए। इस्लाम अकाचेव एक चैंपियन है और मैं नंबर वन कंटेंडर हूं, तो मुझे कोई रश नहीं करना है इस टाइटल शॉट के लिए। एक बार मैं अपना मौका गवा चुका हूं और मुझे इस बार अपना मौका नहीं गवाना है, तो मैं वेट करना चाहूंगा और बाद में फाइट करना चाहूंगा। तो उसके बाद आपको पता होगा कि डेना व्हाइट ने अनाउंस किया है कि इस्लाम अकाचेव वर्सेज डस्टिन पोरियर का फाइट होगा जून 1 को। तो इससे पहले इस्लाम अकाचेव वर्सेज अरमान सारुकियान का फिक्स किया था फाइट UFC वाले। तो क्या आपको इस बारे में पता था? अगर पता नहीं था तो आपको जान के कैसा लगा ये वो जरूर हमें बताइएगा। तो चले चलते अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज है बो निकल को लेके। जब एक रिपोर्टर ने बो निकल से पूछा है कि क्या फाइट करना चाहोगे शारामागोमेदोव के साथ, तो बो निकल ने कहा है शारामागोमेदोव एक अच्छा कंटेंडर हो सकता है मेरे लिए, मैं उसको हरा सकता हूँ दूसरे ये तीसरे राउंड में, मैं उसको हरा सकता हूँ। उसके पास रेसलिंग नहीं है लेकिन उसके पास अच्छा एक स्ट्राइकिंग बेस है, तो मैं उसको हराने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अगर ये फाइट हुआ तो मैं बहुत खुशी एक्सेप्ट करूंगा ये फाइट को। तो ये कहना था आपका बो निकल का। तो क्या आपको लगता है कि बो निकल शारामागोमेदोव को हरा पाएगा, और अगर ये फाइट हुआ तो आप किसके सपोर्ट में रहेंगे वो जरूर हमें बताइएगा। तो चले चलते अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज है आपका जमाल हिल को लेके। जमाल हिल फाइट करना चाहता है जीरी पाउचका के साथ। जीरी पाउचका ने हराया था अलेक्जेंडर रैकिक को, और अलेक्जेंडर रैकिक को हराने के बाद जीरी पाउचका ने कहा था कि नेक्स्ट मैं फाइट करना चाहता हूँ वापस से बेल्ट के लिए एलेक्स परेरा के साथ। और आपका जमाल हिल हार के आ चुका है एलेक्स परेरा के साथ UFC 300 में। तो जमाल हिल अभी चाहता है कि जीरी पाउचका के साथ जमाल हिल फाइट करे और जो भी जीते वो वापस से फाइट करे बेल्ट के लिए। तो ये कहना था आपका जमाल हिल का। तो क्या आपको लगता है कि UFC वाले वापस जमाल हिल को नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए वापस से फाइट देगा वो भी जीरी पाउचका के साथ? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें बताएगा। और क्या आपको लगता है कि जमाल हिल जीरी पाउचका को हरा पाएगा और बन पाएगा वापस से नंबर वन कंटेंडर? तो क्या आपको लगता है कि UFC वाले ये फाइट इन फ्यूचर बनाएगा, और बनाएगा भी तो आप किसके सपोर्ट में रहेंगे? क्या आपको लगता है कि जमाल हिल जीरी पाउचका को हरा पाएगा, और क्या आपको लगता है कि जीरी पाउचका जमाल हिल को हरा पाएगा? तो आप किसके सपोर्ट में रहेंगे वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।